फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति वैश्मिला आज की वीडियो में देखिए मैं आपको सिलाई से इस तरह के फ्लावर बनाना बताऊंगी ये है हमारी ड्रेस मेजरमेंट चार्ट मैंने सभी साइज में शेयर किया किसी भी साइज में बना सकते हैं चोली भी बहुत इजी है सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से मैंने बनाया है चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है पहले मैं इसे सिल के पहना के दिखाऊंगी फिर हम स्टार्ट करेंगे बनाना देखेंगे ये देखिए यहाँ पे ड्रेस मेरी जो है वो मैंने सिल के रेडी कर दी है चोली भी रेडी है अब चिल्हे काना को पहना के दिखाती हूँ किसी भी साइज में आप बनाएं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी मैंने इसे चार नंबर के लिए बनाया है और चार नंबर के ही खाना को आपको पहना के दिखा रही हूँ बट ये सेम ड्रेस जो है वो तीन नंबर को भी आ जा रही है तो आप इसे तीन नंबर को भी पहना सकते हैं इसमें मैंने थोड़े से लेस में से कट करके चिपका दिया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है हम थोड़ा सा चिपका लेते हैं तो थोड़ा सा देख के अट्रैक्टिव लगता है अच्छा लगता है तो आप चाहें तो चिपका सकते हैं और आप चाहें तो छोड़ सकते हैं ये देखिए ये थोड़े थोड़े से मैंने येलो कलर में थे मेरे पास तो मैंने लगा दिया यहाँ पे हम इसे इस तरह से करके पहना देंगे इसका निचला हिस्सा मैंने सिल दिया है जिससे जॉइंट रहे सर्कल हमारा पूरा ये डोरी हमें बांध देनी है अगर आप बिगनर भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ड्रेस आसानी से अपने काना के लिए बना सकते हैं बहुत खूबसूरत लगती है आप देख सकते हैं कि काना जी इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं तो आसानी से बनाइए और पहनाइए चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है काना जी के लिए अब देखिए गाइस सबसे पहले हम इस तरह का फ्लार बनाएंगे बहुत इजी आसानी से आप इसे सलाई की हेल्प से बना सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं दो कलर का मैंने ऊन लिया है ये जो ऊन आप देख रहे हैं मैं डबल करके यूज़ करती हूँ सिंगल बहुत पतला आता है कढ़ाई करने के लिए आता है डबल करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ऊन की जितना मोटा हो जाता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नौ नंबर की मैंने सिलाई ली है सात फंदे हमें डालने हैं ऊन के ऊपर सलाई को रखेंगे और इस तरह से हमने अपना पहला फंदा डाल दिया ये हमारा दूसरा फंदा ये हमारा तीसरा फंदा ये हमारा चौथा पाँच छ और ये सात मैंने यहाँ पे टोटल सात फंदे डाल दिए अब हमें यहाँ पे पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुन देनी है तो ये देखिए इस तरह से लगाएंगे और इसे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे बुनते वक्त हमें हमारे पास यहाँ पे जो ऊन है इसे हम इसी में ऐसे दबाते चलेंगे छोटा वाला क्योंकि अगर आप इसे पास से कट कर देंगे तो फिर आपकी बुनाई जो है वो नीचे से खुलने लगेगी इसीलिए हम यहाँ पे इसमें तीन चार फंदों तक इसे दबा देते हैं ये देखिए मैंने अब दबा दिया है अब हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे हमारी पहली सिलाई जो है वो कम्प्लीट हो गई है अब दूसरी सिलाई में हमें नेट बनानी है नेट कैसे बनानी है पहला फंदा हम अपना सीधा बुनेंगे ये इस तरह से और उसके बाद यहाँ से ऊन को आगे करना है आगे करने के बाद दूसरा फंदा भी सीधा बुनना है ये देखिए इस तरह से डालेंगे अब ऊन हमारा देखिए आगे की साइड से पीछे जा रहा है ये इस तरह से ये, तरह से, ये हमारी नेट बन गई फिर फ्रंट पे लाइए फिर अगले फंदे में इस तरह से नेट बनाइए फिर फ्रंट पे लाएं फिर अगले फंदे में नेट बनाइए फिर फ्रंट पे लाना है और फिर हमारे अगले फंदे में नेट बनेगा फिर फ्रंट पे ले आए फिर अगले फंदे में नेट बना देनी है फिर फ्रंट पे लाना है और फिर अगले फंदे में नेट बना देनी है ये हमने बुन दिया है अब हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ गए हैं हमने सात फंदे से स्टार्ट किया था हमारे पास अब तेरह फंदे हैं देखिए ये बुन के दिखाती हूँ हमारे जो ये नेट वाला फंदा है थोड़ा सा फैला हुआ होता है बट हम इसे स्किप नहीं करेंगे हम इसे बुनेंगे तो देखिए दो फंदा हो गया ये हमारा तीन फंदा हो गया चार फंदा पांच फंदा छः फंदा सात फंदा आठ फंदा नौ फंदा दस फंदा ग्यारह फंदा बारह फंदा तेरह फंदा फिर हम सीधी साइड आ गए हैं फिर हमें उसी तरह से करना है अपने हमें सभी फंदे में नेट डाल देनी है ये वाला ऊन पास से कट कर देती हूँ क्योंकि हमने अभी से फंसा दिया देखिए छोटा वाला था हमारा ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बुना उसके बाद हम इसे सीधी साइड लाएंगे और बाकी के सभी फंदे में नेट बना देंगे ये देखिए अब इस बार जब हम अपने सभी फंदे में नेट बना देंगे तो हमारे पास टोटल पच्चीस फंदे हो जाएंगे ये देखिए इन पच्चीस फंदों को अब हम दो सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे तो चलिए ये पूरे फंदे में मैं नेट बनाती हूँ इसके बाद दो सलाई अपना रानी कलर से उल्टा उल्टा बुनती हूँ फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ाने के बाद दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन है देखिए सीधी साइड पे हमें इस तरह से एक धारी आ जाएगी जब हम दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुंदेंगे उसके बाद मैंने यहाँ से रानी कलर वाला ऊन काट दिया है अब हम येलो कलर से तीन सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे तो पहली सिलाई में हमें अपना ऊन फंसाना है चलिए लगाना बताती हूँ ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे ये ऐसे करके और यहाँ पर पिंक वाला जो है इसे हम टायर खींच के इसी में दबाते चलेंगे ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे येलो वाले के साथ भी हमें छोटा ऊन मिलेगा इन दोनों को साथ में कर लेते हैं ये इस तरह से देखें अब बस ऐसे हमें दबाते और बुनते चले जाना है पाँच से सात फंदों तक हम इसे दबा देंगे उसके बाद हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे अभी येलो कलर से हमारी पहली सिलाई है टोटल हमें तीन सिलाइयाँ येलो कलर से बुननी है ये देखें पाँच से छः फंदे तक हमारा ये हो गया है फंस गया है अब हम इसे छोड़ देंगे ये हमारा खुलेगा नहीं अब हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनेंगे तो चलिए ये हमारी पहली सिलाई चल रही है इसके बाद दो सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बुनूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस तरह से डिजाइन कैसे बनाना है ये देखिए हमने यहाँ पे येलो कलर से तीन सिलाइयाँ बुन दी हैं उल्टी उल्टी अब हम सीधी साइड आ गए हैं अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा आप ध्यान से देखिए कैसे शुरू होगा हमने यहाँ पे एक दो तीन चार चार फंदा बुना यहाँ से ऊन को पीछे ले जाएंगे और अब इधर से हम उल्टी साइड है तो इन्हीं चारों फंदों को बुन देंगे क्योंकि यही है ही चार फंदे ये देखें ये इस तरह से बुन दिया फिर सीधी साइड आए इस बार हम चार की जगह सिर्फ तीन फंदा बुनेंगे एक दो तीन फिर हम इसे पीछे लेके जाएंगे और उल्टी साइड में हमें इन्हीं तीन फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है ये देखें ये हमने तीनों फंदों को बुन दिया फिर सीधी साइड आएंगे, और इस बार हम दो फंदे ही बुनेंगे ये देखें एक और दो फिर हम इसे बैक पे ले जाएंगे और इन्हीं दो फंदों को हमें बुन देना है उल्टा उल्टा ये देखें फिर फ्रंट पे आए इस बार हम सिर्फ एक फंदा बुनेंगे ये देखें एक फंदा बुना इसे बैक पे ले गए और इस बार सिर्फ इसी एक फंदे को हम बुन देंगे ये मैंने बुन दिया फिर हम सीधी साइड आ गए ये देखिए हमने पहले चार फंदा करके बुना फिर तीन फिर दो फिर एक अब यहाँ पे हमें एक फंदा उल्टा बुनना है बाकी चार फंदे में नेट बनानी है तो देखिए पहला फंदा हमने उल्टा बुन दिया ये हमने दूसरे फंदे में नेट बना ली फ्रंट पे ले आए तीसरे फंदे में नेट बना ली फिर फ्रंट पे ले आए चौथे फंदे में हमने नेट बना ली और ये हमारा पांचवे फंदे में नेट बन गए टोटल चार फंदे में हमने नेट बनाई है पहला अपना सीधा बुन के आप इधर आएंगे उल्टी साइड तो यहाँ पे आपको नौ फंदे मिलेंगे देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदे हैं अब हमें क्या करना है नौ फंदे घटाने हैं कैसे घटाएंगे हमने दो फंदे को एक साथ लेके बुना हमने एक बार बुना मीन एक फंदा घटा फिर इसे लेंगे इसके साथ एक और लेंगे हमने दोबारा बुना दो फंदा घटा फिर इसे लेंगे इसके साथ और लेंगे एक तिबारा बुना तीन फंदा घटा सेम चीज़ हमने चौथी बार की चार फंदा घटा सेम चीज़ हमने पाँचवीं बार की पाँच फंदा घटा सेम चीज़ हमने छठी बार की छः फंदा घटा सेम चीज़ सातवीं बार सात फंदा सेम चीज़ आठवीं बार आठ फंदा और सेम चीज़ हमने नौवीं बार की हमारा नौ फंदा घट गया है अब हमारे पास सलाई में एक फंदा है ही हमने देखिए दूसरा फंदा बुना तीसरा फंदा और चौथा फिर सेम वही चीज करनी है देखिए चार फंदे हैं बैक पे ले आइए और इन चार फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए ये इस तरह से ये देखें फिर यहाँ फ्रंट पे आएंगे इस बार हम तीन फंदा ही बुनेंगे पिछली बार हमने चार बुना था देखें एक दो तीन फिर बैक पे ले जाए और इन तीन फंदों को हम उल्टा उल्टा, उल्टा देंगे ये देखें फिर फ्रंट पे आएंगे इस बार हम तीन की जगह सिर्फ दो फंदे बुनेंगे एक और ये दो फिर बैक पे ले आइए बैक पे तो हमारे पास यही दो फंदे हैं इन्हें ही हमें बुन देना है फिर फ्रंट पे आएंगे इस बार हम सिर्फ एक फंदा बुनेंगे बैक पे ले जाइए और यही एक फंदा जो है ये बुन दीजिए अब फिर देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुन के और चार फंदे में नेट बनानी है तो देखिए हमने पहला फंदा जो है नॉर्मल उल्टा बुन लिया है दूसरे फंदे में हमने नेट बना दी फ्रंट पे ले आइए तीसरे फंदे में हमने नेट बना दी फ्रंट पे लाए चौथे फंदे में हमने नेट बना दी फ्रंट पे लाए पांचवें फंदे में हमने नेट बना दी है उल्टी साइड आएंगे उल्टी साइड हमें नौ फंदा मिल जाएगा देखें ये एक ये हमारा दूसरा तीन चार पाँच छ सात आठ नौ बस अब इस बार में नौ फंदे घटा देने हैं तो दो फंदा हमने एक बार बुना एक एक फंदा घटा दोबारा बुना दो फंदा घटा तिबारा हमने बुना तीन फंदा घटा चौथी बार बुना चार फंदा घटा पांचवी बार बुना पांच फंदा घटा छठी बार बुना छः फंदा घटा सातवीं बार बुना सात फंदा घटा आठवीं बार बुना हमने आठ फंदा घटा और नौवीं बार बुना नौ फंदा घट गया फिर देखिए एक फंदा है इस सिलाई में ये हमने दूसरा बुन लिया तीसरा और चौथा फिर वही सेम चीज़ करनी है ऐसे ही करके हमें अभी देखिए हमारा दो बार बना है अभी तीन बार और आएगा तो चलिए बना लेती हूँ फिर मैं आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है ये देखिए हमने बुन दिया है बुनते हुए एकदम लास्ट में आ गए लास्ट में हमारे पास इस तरह से एक फंदा बचेगा हम इसे फैलाएंगे और फैलाने के बाद इसके बीच से हमें ऊन को निकाल के और कट कर देना है ये मैंने कट करके खींच दिया ये देखिए हमारी नॉट आ गई थोड़ा सा लंबा इसलिए रखा है क्योंकि हम इसे सुई में डाल के इसी से अपना फ्लावर जो है सिलेंगे तो सबसे पहले तो रानी कलर का ऊन डालते हैं बीच वाला सिलने के लिए ये देखिए मैंने रानी कलर का ऊन डाल दिया ये हमारी सीधी साइड है तो उल्टी साइड से हमें अपना सुई को लगाना है ये इस तरह से मैंने लगाया और सुई को उल्टा करके इसलिए मैं सिल रही हूँ क्योंकि ये मेरी स्वेटर सिलने वाली सुई नहीं है इसमें आगे नोक होती है स्वेटर सिलने वाली सुई में हमारी आगे नोक नहीं होती है तो स्वेटर सिलना इजी होता है इसलिए मैं सुई को ऐसे उल्टा करके सिल लेती हूँ ये देखिए ये इस तरह से हम मैंने सिला अब यहाँ से सिलते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे ये हमारा होल बंद हो जाएगा और ये जो हमने ऊन लगाया है इससे सिर्फ एक बार यहाँ पे टक कर देना है बस ये हमारा फ्लावर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा चलिए करती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए यहाँ पे हमारा फ्लावर जो है कम्प्लीट हो गया आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अब चलिए हम इसके नीचे का घेर बनाते हैं तो घेर के लिए मैंने क्या किया अट्ठारह फंदे डाल के इसे एक सिलाई उल्टा उल्टा बुन दिया है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखें एक सिलाई उल्टा उल्टा बुनने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से बुनना शुरू किया है हम नीचे से किना अपना तीन तीन फंदा छोड़ेंगे ये हमारी दूसरी सिलाई है ये देखें दूसरी सिलाई में हमारा पहली बार जो है वो तीन फंदा छूटेगा अगर आप बिगनर भी हैं और ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगती है ये देखिए तीन फंदा बचा है मैं इसे पीछे लेके जाऊंगी और हम उल्टा उल्टा अब बुन देंगे तीन फंदा हमने छोड़ दिया दूसरी सिलाई में तीसरी सिलाई हमारी नॉर्मल उल्टी उल्टी बुन जाएगी क्योंकि हमारी उल्टी साइड है तो चलिए बुनती हूँ फिर जब सीधी साइड आऊँगी अपनी चौथी सिलाई में तो आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है और बुन के दिखा देती हूँ थोड़े से ही फंदे हैं जिससे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो ये देखें नॉर्मल इस तरह से हम इसे बुनते चले जाते हैं ये हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई अब हम चौथी सिलाई में हैं चौथी सिलाई में हमें क्या करना है ये देखिए फिर से तीन फंदा छोड़ना है चौथी सिलाई में हमारा दूसरी बार तीन फंदा छूटेगा तो ये हम ऊपर से बीनते हुए आएंगे इसे मैं सभी साइज में मेजरमेंट चार्ट के साथ बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी बस आपको ये याद रखना है कि, कि कितनी बार हमें तीन तीन फंदा छोड़ना है इतने पे ही आपका पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और जितने सिलाई का बताऊंगी उतनी सिलाई का पैटर्न आ जाएगा ये देखिए दूसरी सिलाई में हमने पहली बार छोड़ा था चौथी सिलाई में हम दूसरी बार तीन फंदा छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे उल्टा उल्टी साइड आ जाएंगे ये है हमारी पाँचवीं सिलाई पाँचवीं सिलाई हम नॉर्मल उल्टी उल्टी बुन देंगे अगर आप बिगनर भी हैं तो ज़रूर ट्राई करें अपने कान्हा के लिए आप आसानी से इसे बना सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगती है ये देखिए इस तरह से करके हम इसे बुनने का काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट भी आ रहा था कि फ्लावर वाली ड्रेस बताएं सिलाई से फ्लावर बनाना बताएं अब देखिए हमारी छठी सिलाई है छठी सिलाई में हमारा तीसरी बार तीन फंदा छूटेगा अभी तक हमने दो बार छोड़ा है तो चलिए ये भी बुन के दिखाती हूँ छठी सिलाई भी पूरा आपको बुन के दिखाऊंगी जिससे किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो आप आसानी से बनाएं और अपने कान्हा को पहनाएं ये देखें ये इस तरह से बुनते हुए हमें आना है नीचे तक देखिए दूसरी सिलाई में हमने तीन फंदा छोड़ा फिर चौथी सिलाई में हमने तीन फंदा छोड़ा अब हमारी छठी सिलाई में हमारा तीन फंदा और छूटेगा हम इसे पीछे लेके आएंगे और ये अपनी सातवीं सिलाई नॉर्मल उल्टी उल्टी बुन देंगे ये इस तरह से देखें बहुत इजी है आसानी से बन के रेडी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये मैंने बुन दिया अब हम अपनी आठवीं सिलाई में आ गए हैं आठवीं सिलाई में फिर से हमारा तीन फंदा छूटेगा तो हम ऊपर से इसे उल्टा उल्टा बुनते हुए आएंगे और नीचे से हम तीन फंदा फिर से छोड़ेंगे ये देखें दूसरी सिलाई में तीन फंदा छूटा चौथी सिलाई वाला तीन फंदा छठी सिलाई वाला तीन फंदा अब हमारी ये आठवीं सिलाई है तो आठवीं सिलाई में तीन फंदा और छोड़ दिया हम इसे पलट लेंगे नौवीं सिलाई हम अपना प्लेन उल्टी उल्टी बुनेंगे ये देखें ये नौवीं सिलाई हमने एकदम प्लेन उल्टी उल्टी बुन दी है और दसवीं सिलाई में हमारा फिर से तीन फंदा छूटेगा यहाँ पे हम इस तरह से देखिए बुनते हुए आएंगे ये हमने तीन फंदा ही सिर्फ बुनना है देखिए ये दूसरी सिलाई का तीन फंदा ये हमारा चौथी सिलाई का तीन फंदा छठी सिलाई का आठवीं सिलाई का और ये अब हमारा दसवीं सिलाई का भी तीन फंदा हमने छोड़ दिया ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई हम प्लेन उल्टी उल्टी, उल्टी बुन देंगे ये देखें ये भी हमने अपनी ग्यारहवीं सिलाई का तीन फंदा बुन दिया है अब हमारी ये बारहवीं सिलाई है बारह सिलाई का ही हमारा ये पैटर्न है हमने यहाँ पे देखें एक बार छोड़ा तीन फंदा दो बार तीन बार चार बार पांच बार टोटल पांच बार तीन तीन फंदा हमने छोड़ा है और बारहवीं सिलाई में हमारा ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जा रहा है बारहवीं सिलाई हम पूरी अपनी उल्टी उल्टी बुन देंगे ये देखें ये इस तरह से एकदम इजी है गाइस अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आसानी से बनाइए और अपने काना को पहनाइए ये देखिए ये मैंने पूरी अपनी सभी फंदों को एक साथ बुन दिया है अभी हमारा एक साइड से तिरछा और एक साइड से जो है वो चौड़ा हो गया मैं आपको सभी साइड मेजरमेंट चार्ट दिखाती हूँ आसानी से आप बना सकते हैं ये हमारा पूरा पैटर्न कम्प्लीट हो गया है अब देखिए मैं आपको सभी साइज के लिए बहुत डिटेल में समझाती हूँ ये मैं बना रही हूँ चार नंबर के लिए चार नंबर के, के लिए मैंने अट्ठारह फंदे डाले हैं पांच बार तीन तीन फंदा छोड़ा है और बारह फंदे का बारह सिलाइयों का हमारा ये पैटर्न बना है तो देखिए चार नंबर के लिए ये रहा हमें फंदे कितने डालने हैं ये मैंने अट्ठारह फंदे डाले हैं ये हमने पांच बार तीन तीन फंदे छोड़े हैं और टोटल बारह सिलाइयों का हमारा पैटर्न बना है अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ देखिए हमारा दूसरी सिलाई में तीन फंदा छूटता है फिर हमारा चौथी सिलाई में छूटता है तीन फंदा फिर दो सिलाई बढ़ेंगे तो छठी सिलाई में तीन फंदा छूटेगा फिर दो सिलाई में बढ़ेंगे आठवीं सिलाई में हमारा तीन फंदा छूटेगा फिर दसवीं फिर बारहवीं फिर चौदहवीं सोलहवीं अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस इसी तरह से हमें छोड़ना है दो दो सिलाई हमारा जब बढ़ते जा जाएगा तो तीन 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 फंदा छूटते जाएगा बस आप ये ध्यान रखें कि आपको कितने फंदे डालने हैं कितनी बार तीन फंदा छोड़ना है और कितनी सिलाइयों का आपका पैटर्न कंप्लीट होगा तो जीरो और एक नंबर का हमारा सेम ही रहेगा देखिए जीरो और एक नंबर में नौ फंदे डालने हैं दो नंबर में बारह तीन नंबर में पंद्रह चार नंबर में अट्ठारह पाँच नंबर में इक्कीस छः नंबर में चौबीस सात नंबर में सत्ताईस आठ नंबर में तीस नौ नंबर में तैंतीस और दस नंबर में छत्तीस फंदे डालने हैं अब देखिए जीरो और एक नंबर में दो दो बार हमारा तीन तीन फंदा छूटेगा टोटल छः सिलाई में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो पहले देख लेते हैं कितनी बार तीन तीन फंदा छोड़ना है जीरो और एक नंबर में दो बार हमें तीन तीन फंदा छोड़ना है दो नंबर में तीन बार तीन तीन फंदा छूटेगा तीन नंबर में चार बार छूटेगा चार नंबर में पाँच बार तीन तीन फंदा छूटेगा पाँच नंबर में छः बार तीन तीन फंदा छूटेगा छः नंबर में सात बार सात नंबर में आठ बार आठ नंबर में नौ बार नौ नंबर में दस बार और दस नंबर में ग्यारह बार हमारा तीन तीन फंदा छूटेगा अब देखिए जीरो साइज और एक नंबर में हमारा छः सिलाई में छठी सिलाई में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखिए बारहवीं सिलाई पे मैंने रोक दिया है तो वैसे ही जीरो और एक नंबर में छठी सिलाई में पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा दो नंबर में आठ सिलाई बुनेंगे तो पैटर्न कम्प्लीट होगा तीन नंबर में दसवीं सिलाई में पैटर्न कम्प्लीट हो जाएगा चार नंबर में बारहवीं सिलाई में पाँच नंबर में चौदहवीं छः नंबर में सोलह सात नंबर में अट्ठारह आठ नंबर में बीस नौ नंबर में बाईस और दस नंबर में हमारा चौबीसवीं सिलाई का ही पैटर्न कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ से आप मेजरमेंट चार्ट का स्क्रीन ले सकते हैं जब भी मेजरमेंट चार्ट का स्क्रीन लीजिए तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लें, जिससे आपको एक एक डिजिट क्लियर दिखाई दे अब यही हमारा बारह सिलाइयों का पैटर्न जो है वो रिपीट होता चला जाएगा सभी साइज में आपको ऐसे ही करना है जितना ये बना लेंगे यही चीज़ आपकी बार बार रिपीट होते चली जाएगी तो चलिए थोड़ा सा रिपीट करके भी दिखा देती हूँ पहली सिलाई हमने वहाँ पे भी स्टार्टिंग में अपनी प्लेन बुनी थी तो यहाँ पर भी हम पहली सिलाई अपनी प्लेन बुनेंगे दूसरी सिलाई से हमारा जो फंदा है वो छूटना स्टार्ट होगा चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो तो चलिए पहली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनते हैं फिर अगली सिलाई में बताऊँगी क्या करें देखिए मैंने पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है दूसरी सिलाई से हमारा सेम वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा हम तीन फंदा अपना छोड़ना शुरू कर देंगे ये देखें सभी सिलाई, सभी साइज में आपका दूसरी ही सिलाई से स्टार्ट होगा पहली सिलाई आपको फंदा डालने के बाद प्लेन बुननी है या फिर आपका पैटर्न कंप्लीट होने के बाद पहली सिलाई आपको प्लेन बुननी है ये देखिए इस तरह से बुनते हुए आऊंगी और हम नीचे से अपना तीन फंदा छोड़ना स्टार्ट कर देंगे सेम सब कुछ वही है जब हमने स्टार्ट किया था तो दूसरी सिलाई में हमने तीन फंदा छोड़ा था या फिर से देखिए दूसरी सिलाई में हमने तीन फंदा छोड़ दिया तीसरी हम प्लेन बुनेंगे और चौथी सिलाई में हम फिर तीन फंदा छोड़ेंगे इसी तरह से अब हमें इसे लंबा करता करते चले जाना है जब ये पूरा हमारा बड़ा होगा तो ये देखिए ऐसे गोल होता चला जाएगा तो चलिए पूरा सर्कल कम्प्लीट करती हूँ फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है अब देखिए यहाँ पे हमारा जो घेर है वो कंप्लीट हो गया है पूरा ये देखिए एकदम हमारा राउंड सा शेप आ रहा है तो मैंने बंद कर दिया है यहाँ से नॉट लगा के कट कर दिया अब इसमें हमें डोरी डालनी है तो डोरी के लिए हमने रानी कलर का ऊन लिया है इधर से ऊन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और यहाँ से हम देखें ये ऐसे डोरी बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने एक लूप बनाई अब इसमें अपनी दो उंगली डालिए और यहाँ से ऊन को निकाल लीजिए ये है आपकी प्रॉपर नॉट ये देखें ये हमारी प्रॉपर नॉट आ गई अब इसी नॉट पे ऐसे दो उंगली से देखें यहाँ से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से दो उंगली डालिए और इसे अब इसी तरह से बनाते चले जाइए ये देखें ये ऐसे इसके बीच से हम ऊन निकालेंगे तो ये हमारा बनता चला जाएगा लंबी सी चोटी बनाएंगे उसके बाद यहाँ से कट करके खींच देंगे तो हमारी नॉट आ जाएगी और इसका दूसरा हिस्सा हम सुई में डाल लेंगे जिससे हम अपनी डोरी घेर में डाल पाए ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी डोरी बना ली है और इसे सुई में भी डाल दिया है अब हमें क्या करना है यहाँ से देखिए ये इस सुई को उल्टा करके इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरी सुई जो है वो स्वेटर सिलने वाली नहीं है ये देखिए ये इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे डाल के खींच लेंगे पूरे राउंड पे हमें करना है ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे हमारी डोरी जो है वो इजीली निकल जाती है हल्का सा हम इसे इस तरह से करके खींचेंगे देखिए निकल के आ गई बस ये पूरा हम यहाँ से लेके और यहाँ तक डालेंगे चलिए डाल लेती हूँ फिर आगे बताऊँगी हमें क्या करना है ये देखिए हमारी डोरी पड़ गई है डोरी डाल के मैंने यहाँ पर बांध दी है अब मैंने अपना ये फ्लार ले लेना है और टोटल सिक्स फ्लार मेरे आ रहे हैं इस घेर पे तो मैं सिक्स फ्लार लगाऊंगी बहुत खूबसूरत से हमारी ये फ्लार हैं और ड्रेस भी हमारी उतनी ही सुंदर है तो इस तरह से करके हमें इसे सिल लेना है बस ये सिलते ही रेडी हो जाएगा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं है तो मैं इसे चिपका दूंगी ग्लू गन से मेरी ग्लू स्टिक बहुत अच्छी है अगर मैं चिपकाने के बाद इसे निकालूंगी तो फट जाएगा ये हमारा ऊन बट निकलता है। नहीं है जल्दी आप इसे सिल लें सिलने के लिए आपको इसके पूरे सर्कल पे यहाँ पे ऐसे दूर 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 टाका मारना पड़ेगा तो ये आपका अटैच हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको चोली बनाना बताती हूँ अब देखिए चार नंबर के काना की चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छत्तीस बंदे डाल के और टोटल पंद्रह सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन दिया है ये देखें लास्ट की तीन सलाइयाँ हमने रानी कलर से बुन दी है तो सभी साइज में आप मेज़रमेंट देखें सबसे पहले आप फंदे देखें जीरो साइज़ में आप अट्ठारह फंदे डालेंगे एक नंबर में बाईस दो नंबर में छब्बीस तीन नंबर में बत्तीस चार नंबर में छत्तीस पाँच नंबर में चालीस छः नंबर में छियालीस सात नंबर में बावन आठ नंबर में अट्ठावन नौ नंबर में छाछठ और दस नंबर में चौहत्तर फंदे डालने हैं कितनी कितनी सिलाएँ बुनियाँ आप वो भी देखें जीरो साइज में सात सिलाई बुनेंगे एक नंबर में नौ दो नंबर में ग्यारह तीन नंबर में तेरह चार नंबर में पंद्रह पाँच नंबर में सत्रह छः नंबर में उन्नीस सात नंबर में तेईस आठ नंबर में पच्चीस नौ नंबर में उनतीस और दस नंबर में हम तैंतीस सलाइयाँ बुन लेंगे और उसके बाद अब देखिए हमें इसे डिवाइड करना है तो चार नंबर के लिए कैसे डिवाइड करूँगी ग्यारह फंदे घटाने हैं बीच का चौदह फंदा बुनेंगे फिर ग्यारह फंदा घटाएंगे चलिए मैं आपको घटा के दिखाती हूँ उसके बाद में मेज़रमेंट बताऊँगी ये देखिए दो फंदा एक साथ लिया और बुन दिया एक बार बुना मैं से एक फंदा घटा फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे इसके साथ एक और फंदा लिया और दिया दो बार बुना मीन्स दो फंदा घटा फिर देखें ये हमने तीसरी बार बुंदिया मीन्स तीन फंदा घट गया हमने चौथी बार बुना चार फंदा घट गया पाँचवीं बार बुना पाँच फंदा घटा ये हमने छठी बार बूंदिया छः पंदा घट गया ये हमने सातवीं बार बुना सात फंदा घटा आठवीं बार बुना आठ फंदा घट गया ये हमने नौवीं बार दिया नौ फंदा घट गया दसवीं बार बुना दस फंदा और ग्यारहवीं बार बुना ग्यारह फंदा घट गया है अब इसे हमें बीच में टोटल चौदह फंदे बुनने हैं तो देखिए दो फंदा है सिलाई में ये तीन फंदा ये चार ये पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस और एक ग्यारह ग्यारह फंदा बचा हुआ है बस इसे भी हम घटा देंगे दो फंदा हमने लेके एक साथ बुन दिया अब लास्ट में हमें गिनने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ग्यारह फंदा ही बचा है और ग्यारह वो हमें घटा के नॉट लगा के कट कर देना है तो देखिए पूरा मैं एकदम डिटेल में आपको दिखाती हूँ अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत आसानी से आप इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे और बहुत खूबसूरत ये लगती है हमारी ड्रेस तो इजीली बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब देखिए एक फंदा बचा है बस इससे हम अपनी नॉट लगा लेंगे चलिए लगा लेती हूँ फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है ये देखिए ये हो गया है हमारा अब सभी साइज में आप मेजरमेंट देखें जीरो साइज में आपको छः फंदा घटाना है बीच का छः फंदा बुनेंगे फिर छः फंदा घटाना है एक नंबर में सात फंदा घटाना है बीच का आठ फंदा बुनेंगे फिर सात फंदा घटाना है दो नंबर में आठ फंदा घटाना है बीच का दस फंदा बुनेंगे फिर आठ फंदा घटाना है तीन नंबर में दस फंदा घटाना है बीच का बारह फंदा बुनेंगे फिर दस फंदा घटाना है चार नंबर में ग्यारह फंदा घटाना है बीच का चौदह फंदा बुनेंगे फिर ग्यारह फंदा घटाना है पाँच नंबर में बारह फंदा घटाना है बीच का सोलह फंदा बुनेंगे फिर बारह फंदा घटाना है छः नंबर में चौदह फंदा घटाना है बीच का अठारह फंदा बुनेंगे फिर चौदह फंदा घटाना है सात नंबर में सोलह फंदा घटाना है बीच का बीस फंदा बुनेंगे फिर सोलह फंदा घटाना है आठ नंबर में अट्ठारह फंदा घटाना है बीच का बाईस फंदा बुनेंगे फिर अट्ठारह फंदा घटाना है नौ नंबर में बीस फंदा घटाना है बीच का छब्बीस फंदा बुनेंगे फिर बीस फंदा घटाना है दस नंबर में बाईस पंदा घटाना है बीच का तीस पंदा बुनेंगे फिर बाईस बंदा घटाना है उसके बाद देखिए जो बीच वाले पंदे हैं अब जैसे मैंने नीचे यहाँ पंद्रह सिलाइयाँ बुनी हैं तो अभी से भी मैं पंद्रह सिलाई बुन के घटा दूंगी तो बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए मैं करती हूँ फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन के घटा दिया है अब हमें क्या करना है ये हमारी सीधी साइड है हम इधर से इसे मोड़ेंगे और देखिए ऊन थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसे ही हम सुई में डाल के यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और इधर देखिए जैसे हमने घेर में डोरी बना के डाली थी वैसे ही यहाँ पे भी एक डोरी डाल दी है बस इसे हमें सिल देना है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चलिए करती हूँ फिर मैं आपको इसे पहना के दिखाऊंगी ये देखिए गायस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने चार नंबर के काना को पहना दी है बट सेम ड्रेस आप तीन नंबर को भी पहना सकते हैं इसे पहना के मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है फ्लावर में मैंने देखिए थोड़े थोड़े थोड़ से पैच लगा दी हैं जिसे ये देख के और भी सुंदर लग रहा है एक पैच मैंने चोली पे भी लगा दिया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो लगाएँ चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा अब मैं आपको मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे